चालू हो रहा है भाई साहब, कुछ इशू मत दो। दोस्तों यार, मैंने ये इन्फिनिक्स G2 को अपडेट किया था, अभी 450 MB का जो अपडेट आया था, यहाँ पर आप हाथ में देख सकते हो। और भाई साहब, ये क्या हो गया भाई मेरे। दोस्तों स्वागत है आपका बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो में। हाथ में है इन्फिनिक्स GT 10 Pro और यहाँ पर भाई साहब अपडेट आ चुका है। इसका पहला अपडेट 450 MB का, जी हाँ 450 MB का अपडेट आ चुका है। तो देखते हैं भाई, अपडेट करते हैं। AMOLED डिस्प्ले है भाई इसमें, ग्रीन लाइन इश्यू वगैरह और क्या का इश्यू झेलने पड़ते हैं, क्या का इम्प्रूवमेंट्स देखने को हमें मिलते हैं, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो चलो इसे अब फटाफट अपडेट करते हैं और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूं मैं। ओके दोस्तों, अभी हो गया है अपडेट। ओके ये चालू हो गया है, फिर से चालू हो रहा है भाई साहब, कुछ इश्यू मत दो। ओके अभी पिन डालता हूं मैं। ओके भाई साहब, थोड़ा सा टच मिसिंग इश्यू है एक्सक्रीमिस में, थोड़े से यूजर बोल रहे थे तो है थोड़ा सा, आई थिंक ज्यादा टच रिस्पॉन्स नहीं है। 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया है लेकिन थोड़ा सा टच तो ये मिस कर देता है, थोड़ा सा मतलब इतना फील नहीं होगा आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपडेट हो चुका है, अब मैं आपको अपडेट इसका जाकर दिखाता हूँ सिस्टम में। देखिए यहाँ पर सिस्टम अपडेट, देखिए XOS अभी क्या आ रहा है, 13.1.0 है ना। अभी हम चेक करते हैं, देखिए एंड्रॉइड 13 एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट जून 5 का सिक्योरिटी अपडेट है भाई इसमें। दो यार जल्दी जरा, लास्ट देखो मैंने अभी चेक किया था, अभी हम चेक करते हैं। देख क्या देखा है, योर सिस्टम इज अपडेट एंड्रॉइड 13 सिक्योरिटी अपडेट जून 5 का है भाई। कब का दे रहे हो भाई इन्फिनिक्स वालों, जरा दो जुलाई अगस्त का तो दो भाई। हो गया है हमारा पूरा अपडेट। अब यहाँ पर कुछ इशू वगैरह की बात करते हैं, क्या क्या इशू आए हैं वगैरह। दोस्तों यार, मैंने ये इन्फिनिक्स G2 को अपडेट किया था, अभी 450 MB का जो अपडेट आया था, यहाँ पर आप हाथ में देख सकते हो। और भाई साहब, ये क्या हो गया भाई, मेरे को लगा था भाई AMOLED डिस्प्ले होगा और ऐसा कुछ डिस्प्ले ग्रीन लाइन इशू आएगा, तो भाई साहब ये क्या हो गया यार, अभी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों प्रैंक कर रहा था भाई आपके साथ, इसमें ऐसा कोई भी इशू नहीं आया है अब तक, मैंने रात में ही इसे अपडेट किया था और भाई बिल्कुल फ्लॉलेस चल रहा है, मैंने सिर्फ जस्ट वॉलपेपर लगाया था। जी हाँ, आपको लग रहा होगा AMOLED डिस्प्ले है में, और लगना जायज है भाई, हर किसी कंपनी में ये आ रहा है डिस्प्ले ग्रीन लाइन इशू अपडेट के बाद। तो अभी तो नहीं आया, अभी मैंने रात में किया था, तो अभी दिन के 8:21 हो रहे, मतलब 8:30 बज रहे हैं, तो अभी तो नहीं आया, लेकिन देखते हैं भाई जैसे ही कुछ होता है थोड़ी देर में वगैरह तो मैं अपडेट तो आपको करता ही रहूंगा। लेकिन अभी इसमें कोई भी डिस्प्ले में ऐसा इश्यू नहीं है, मैंने चारों तरफ से इसका डिस्प्ले देखा और परफॉर्मेंस भी नहीं है, सब कुछ ओवरऑल बढ़िया चल रहा है। तो आपको भी लग रहा होगा AMOLED डिस्प्ले है तो ऐसा कुछ बात नहीं है, आप डेफिनेटली ये 450 MB का जो अपडेट है वो डेफिनेटली करिए, आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगा, आपका थोड़ा सा परफॉर्मेंस और नेटवर्क जो है वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। तो ओवरऑल यही अपडेट है इसका, डेफिनेटली कर सकते हो अपडेट, कोई भी इशू नहीं भाई। ओके बाकी दोस्तों बात करें अपडेट करने के बाद मोबाइल कैसा चल रहा है, एप्लीकेशन वगैरह कैमरा वगैरह, तो यहाँ पर देख सकते हो कैमरा वगैरह में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आगे का सेल्फी कैमरा देखें तो। जी हाँ, कैमरा वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ही हुआ होगा, अब वो तो डिटेल में हम टेस्ट करेंगे तभी आप पता चल जाएगा, है ना। अब बाकी यहाँ पर स्पीड वगैरह की बात करें तो ऐसा भी कुछ फर्क नहीं आ गया है, लेकिन ये देखो अभी ये जो है 5G वो कांस्टेंट पकड़ रहा है हमारे यहाँ पर, हमने रात में ही टेस्ट किया था अपडेट से पहले, तो ये थोड़ी थोड़ी जगह पर ही आ रहा था 5G, एक जगह मतलब स्पेसिफिक जगह पे, इस रूम में हमने टेस्ट किया था तो इस रूम में नहीं आया था 5G, लेकिन अब 5G प्लस दिखा रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक इन्होंने नेटवर्क में थोड़ा सा अपडेट दिया है, क्योंकि अभी 5G कांस्टेंट पकड़ रहा है, तो ऐसा मुझे लगता है।
बाकी ओवरऑल बात करें तो सभी सिमिलर ही हैं, थोड़े से बग्स वगैरह इन्होंने फिक्स किए होंगे। अपडेट जैसा भी आता है तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट कर बताऊंगा भाई कि इसमें कोई इश्यू है या नहीं, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए भाई। और इस फोन के ऊपर सारे कंटेंट अवेलेबल है और आप जो बोलेंगे वही भी कंटेंट सारा कुछ बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो भाई आपका कोई सवाल है इस फोन के ऊपर तो वो भी नीचे कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर देखेंगे। बाकी होड़ बोलता है आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली अपडेट करो, कोई पंगा नहीं है। तो मैं मिलता हूँ आपसे इस इंटरेस्टिंग के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।